तो बात करेंगे आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। आज के एरा की अगर हम बात करें सो डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंप्यूटर साइंस। इतनी भी टॉप मोस्ट एमएनसीज है लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यू कैन टॉक अबाउट अमेज़न, विप्रो, इंफोसिस, दे नीड अ पर्सन, दे नीड अ स्टूडेंट जिनका डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, है ना। हमने पढ़ा है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, दीज आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप। यदि हमें डिफाइन करना है डेटा स्ट्रक्चर को तो हमने सिंगल लाइन डेफिनेशन क्या दी है डेटा स्ट्रक्चर की? डेटा स्ट्रक्चर इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट इज अ कॉन्सेप्ट विच शोज दैट हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। दिस इज व्हाट द रिलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब एक डेटा मेमोरी में सेव होता है तो उसका नेक्स्ट डेटा के साथ रिलेशन है, और जब रिलेशन होता है तो वहां डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन होता है। लीनियर नॉन लीनियर को हम सीक्वेंशियल या नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। फिर इसी में हम फिर से दो पार्ट डिवाइड करेंगे, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। तो ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या? A data structure in which the starting and ending points are fixed. जहां मुझे पता है कि बॉस यहां से मेरा डेटा स्टोर होना शुरू हुआ है और यहां तक मेरा डेटा स्टोर हो रहा है। So such type of data structure is called a linear data structure. यहां पर हम जिस लैंग्वेज को यूज करेंगे फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज अ सी लैंग्वेज। हम पूरे डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे सी को यूज करके। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर डेटा स्ट्रक्चर के इस फ्री कोर्स में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट। ओके, तो बात करेंगे आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक। लेकिन जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, व्हाई डेटा स्ट्रक्चर। ओके, कि डेटा स्ट्रक्चर हमें क्यों पढ़ना है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो वंस वी कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट तब हम बात करेंगे व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर डेटा स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज है, डेटा स्ट्रक्चर कोई हार्डवेयर है, डेटा स्ट्रक्चर कोई सॉफ्टवेयर है। सो एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर है क्या? ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, कि डेटा स्ट्रक्चर व्हाई दिस सब्जेक्ट इज सो मच डिमांडिंग, इस सब्जेक्ट की इतनी डिमांड क्यों है, व्हाई द कंपनी नीडेड द पीपल हु नोज द डेटा स्ट्रक्चर वेरी वेल। तो सारी बातें करेंगे यहां पर आज हम व्हाई में। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, कि एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर क्या है। Okay, and then finally we'll come to the point, how to learn it. इसको कैसे सीखा जाएगा? Okay, तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले why data structure की। तो यदि हम इस subject को दो अलग अलग part में divide करें तो आप देखिए नाम itself ये clear कर रहा है कि exactly subject हमें क्यों पढ़ना है। अगर मैं इस एक line के topic को दो part में divide कर दूं, data and structure। डेटा की हम बात जब हम करते हैं तो हमें पता है डेटा इज एनी इंडिविजुअल एंटिटी। फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका एड्रेस, दिस आर द इंडिविजुअल एंटिटी, एनी इंडिविजुअल एंटिटी इज कॉल्ड अ डेटा। लेकिन जब इस डेटा को हम बात करते हैं मेमोरी में सेव करने की, तो हाउ मेनी वेज वी कैन स्टोर द डेटा इन मेमोरी, कितने तरीके से हम एक डेटा को मेमोरी में सेव कर सकते हैं फॉर इफिशियंट मैनर, ठीक है। दैट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डेटा इनसाइड द मेमोरी। तो ये पूरा पेपर हमें क्या बताएगा कि बहुत से डेटा को मेमोरी में हम कितने तरीके से सेव कर सकते हैं, सो दैट व्हेन वी रिट्राइव द डेटा, कि जब भी हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट होगी सो ये डेटा हमें मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मिले। जब इस डेटा को मेमोरी में सेव करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो। तो इस पूरे पेपर में हमें केवल एक बात करना है कि बॉस हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी, एक डेटा को मेमोरी में कितने तरीके से हम सेव कर सकते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डेटा, कि जब एक डेटा मेमोरी में सेव होगा तो उस डेटा का मेमोरी में स्ट्रक्चर क्या होगा। देयर आर डिफरेंट फेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक। डिटेल में देखते हैं कि डेटा को मेमोरी में स्टैक फॉर्म में सेव कर सकते हैं, डेटा को मेमोरी में हम लिंक लिस्ट फॉर्म में सेव कर सकते हैं, डेटा को मेमोरी में हम अरे फॉर्म में सेव कर सकते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थिंग, कि जब एक डेटा को हम मेमोरी में सेव करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास, लेकिन जब उन कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये बात करेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर में। सो एग्जैक्टली दिस पेपर इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा इन अ मेमोरी, कि जब भी एक डेटा मेमोरी में स्टोर होगा तो उस डेटा का मेमोरी में स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने तरीके से हम एक डेटा को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं।
राइट। और यहां पर आप समझिए कि आज के एरा की अगर हम बात करें सो डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंप्यूटर साइंस। कि यदि आपका डेटा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है, यदि आपका डेटा प्रॉपर तरीके से स्टोर्ड है, सो दैट उस डेटा का रिट्रीवल बड़ा आसान होगा। और यही आज ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन नीडेड अ पीपल, मतलब क्यों रिक्वायरमेंट है डेटा स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशंस में। व्हाई द बिग एमएनसीज कंपनी नीडेड द पीपल हु नोज द डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि उन्हें भी पता है, जिनके डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट पीपल नोज दैट कि बॉस कितने तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उनका इफिशियंट वे क्या होगा। और जब इन डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, तो इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमें रिक्वायरमेंट होगी कि इन कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, हाउ टू इंप्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट। तो वहां पर हमारी रिक्वायरमेंट होगी एल्गोरिथम्स की। एल्गोरिथम्स एक्चुअली क्या होते हैं? एल्गोरिथम्स आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन सॉरी द कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली, अब यह तो शुरुआत हुई वाई कि क्यों डेटा स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। ओके, लेकिन यदि हम डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करें कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो हम सिंगल लाइन डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बट इट इज नॉट अ लैंग्वेज। डेटा स्ट्रक्चर इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट इज अ कॉन्सेप्ट which shows that how the data is to be stored inside the memory and what is the relation of the data with another data। कि जब एक डेटा मेमोरी में सेव होगा तो उस डेटा का मेमोरी में क्या रिलेशन होगा, कितने तरीके से हम एक डेटा को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो यदि हमें डिफाइन करना है डेटा स्ट्रक्चर को, तो हमने सिंगल लाइन डेफिनेशन क्या दी है डेटा स्ट्रक्चर की, डेटा स्ट्रक्चर इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट इज अ कॉन्सेप्ट, रिमेंबर इट इज अ कॉन्सेप्ट which shows that how the data is to be stored inside the memory and what is the relation of the data with another data। कि एक डेटा जब मेमोरी में स्टोर होता है तो वो किस रिलेशन के साथ मेमोरी एलोकेट करेगा, ये बताएगा ये पूरा पेपर हमें। क्योंकि जब हम डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को सेव करने की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं डेटा को सेव करने के, और इसीलिए हम डेटा स्ट्रक्चर को मल्टीपल वे में डिफाइन करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो हम सबसे बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास ऑप्शन है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी यहां पर आप देख रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही बात करेंगे, डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। इस पूरे पेपर में हमें यही पढ़ना है कि बॉस एक डेटा मेमोरी में स्टैक फॉर्म में सेव होगा तो उसकी क्या एफिशिएंसी होगी, जब उसी डेटा को मैं अरे बना के सेव करूंगा, क्यू बना के सेव करूंगा, लिंक्ड लिस्ट फॉर्म में हम सेव करेंगे, लीनियर नॉन लीनियर फॉर्म में सेव करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। और जब एक बार इस पूरे पेपर को हम पढ़ लेते हैं तो हमें यह समझ में आ जाता है कि जब हमें कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें किस कॉन्सेप्ट से अपने डेटा को इफिशियंट मैनर में लेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, लेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मेमोरी में सेव करना है। एंड दैट्स व्हाई दिस पेपर इज नीडेड। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो वहां पर आप समझिए डेटा, और ये ध्यान रखना डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट एट ऑल नीडेड फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा। जहां 10, 20, 25, 50, 100 डेटा को स्टोर करना है, नेवर रिक्वायर्ड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड व्हेन डेटा इज इन बल्क अमाउंट। जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की हम बात कर रहे हैं, वहां पर इन कॉन्सेप्ट को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं, सो दैट द इफिशियंट इज इंक्रीज। कि डेटा की इफिशियंसी बढ़ेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी, डेटा रिट्राइवल फास्ट होगा। एंड दिस इज रीजन कि व्हाई वी शुड गो फॉर दिस सब्जेक्ट। कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको बता रहा हूं कि डेटा स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट इन इंडस्ट्री। या जितनी भी टॉप मोस्ट एमएनसीज है लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यू कैन टॉक अबाउट अमेज़न, विप्रो, इंफोसिस, दे नीड अ पर्सन, दे नीड अ स्टूडेंट जिनका डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि उन्हें पता है कि जिनके डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर है वो प्रोजेक्ट बड़े इफिशियंट मैनर में डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो इनके प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में कहां रोल प्ले करेगा डेटा स्ट्रक्चर, ये भी हम देखेंगे। लेकिन वी आर जस्ट इन अ बिगिनिंग लेवल राइट नाउ। मैं आपको उस लेवल पर लेके जाऊंगा जहां पर हम ये बात करेंगे कि किस टाइप के प्रोजेक्ट में डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है।
हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस की। हम टॉप मोस्ट सारी एमएनसीज के डेटा स्ट्रक्चर के इंटरव्यूज को कवर करने वाले हैं। तो इस पूरे पेपर में हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर करेंगे। बस आपको बने रहना है इस कोर्स में और पढ़ते जाना है। तो ये जो भी हमने बात की, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मींस व्हाट। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, है ना। हमने पढ़ा है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, दीज आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमेशा डेटा स्टोर करता है एक सिंगल। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हमने सी पढ़ा है तो हमें पता है किसी भी लैंग्वेज में सी है, जावा है, यदि मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 100, तो दिस ए इज अ वेरिएबल एंड दिस डिक्लेयर्ड विद द प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट, और इसमें डेटा किसने स्टोर हुआ है, सिंगल। तो यहां पर जब हम बात करते हैं ऐसे डेटा, देखो मैंने आपको क्या बोला है, इस पूरे पेपर में हमें यह पढ़ना है डेटा कितने तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। सो डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, क्या आप अपने डेटा को वेरिएबल फॉर्म में स्टोर कर लो। लेकिन यहां पर आप समझना कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट एट ऑल द पार्ट जहां पर हम डेटा स्ट्रक्चर को फुल्ली तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, हाउ द डेटा टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। लेकिन जब हम डेटा वेरिएबल फॉर्म में स्टोर करते हैं तो आप देखिए वेरिएबल किस तरीके से मेमोरी एलोकेट करते हैं। यदि मैंने ऐसा लिखा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, मतलब रिलेशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करना आप। जब ये पांच वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेंगे तो इन पांचों वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, ए बी सी डी, मतलब पांचों के मेमोरी एड्रेस हमेशा अलग अलग होंगे, ठीक है। ये मेमोरी जब एलोकेट करेंगे तो इनके मेमोरी एड्रेस हमेशा अलग अलग होंगे। लेकिन इसी को हटा के यदि मैं एक अरे डिक्लेयर कर दूं, यदि मान लो मैंने एक 5 का अरे बना लिया, तो हमें पता है कि बॉस अरे ऑलवेज एलोकेट अ मेमोरी इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, कि यदि इसका एड्रेस 1001 है तो 100% ये 1003 होगा, ये 1005 होगा, ये 1007 होगा। दिस इज व्हाट द रिलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब एक डेटा मेमोरी में सेव होता है तो उसका नेक्स्ट डेटा के साथ रिलेशन है, और जब रिलेशन होता है तो वहां डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन होता है। इंडिविजुअल एंटिटी के फॉर्म में अगर आप डेटा स्टोर करेंगे तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज द डेटा, तभी तो हम अरे की बात करते हैं। हमने सी में अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने जावा पढ़ी होगी तो वहां अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम सी इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो हमें पता है अरे इज अ कॉन्सेप्ट, और आपने अगर अरे को लेके प्रोग्रामिंग की है तो आपको पता है जब एक डेटा को आप अरे बना के सेव करते हैं और उसी डेटा को आप वेरिएबल फॉर्म में सेव करें, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन कॉम्प्लेक्सिटी। यदि आप 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे 100 डेटा को स्टोर करने के लिए तो इट्स अ हाईली कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, लेकिन उसी एप्लीकेशन को अगर मैं अरे बना के स्टोर करता हूं तो चीजें सिंपल वे में स्टोर होती है। एंड दैट इज व्हाट द डेटा स्ट्रक्चर, अरे इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जहां पर हम डेटा के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट हम जब इंप्लीमेंट करते हैं तो हम यही बोलते हैं हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमेशा क्या बात करता है, सिंगल एंटिटी, सिंगल इंडिविजुअल डेटा स्टोरेज इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि डेटा तो मेमोरी में सेव हो रहा है ना। डेटा स्ट्रक्चर ये बोलता है डेटा को मेमोरी में सेव करने के मल्टीपल वेज, वो है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव फॉर्म में डेटा को स्टोर कर ले आप, इंडिविजुअल डेटा स्टोर कर ले आप, बट हियर द कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी हाई। तब हम आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मींस व्हाट, द डेटा स्ट्रक्चर वो स्टोर द डेटा बल्क अमाउंट ऑफ डेटा इन टू फॉर्मेट, इधर इन लीनियर और इन नॉन लीनियर। लेकिन यहां जब भी हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की, सो ऑलवेज रिमेंबर द डेटा is not an individual single entity. Data is in bulk amount of data. Non-linear data structure का implementation होता है when you have a huge amount of data. और यही actually implementation है data structure का. कि data structure के जो concept implement होते हैं, वो actually implement होते हैं non-linear format में. Sorry, non-primitive data structure के format. ठीक है, अब ये बात आती है sir, linear और non-linear data structure क्या होता है? फिर इसी को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक, जहां पर हम ये बात करेंगे सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को ही, सॉरी, लीनियर नॉन लीनियर को हम सीक्वेंशियल या नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। फिर इसी में हम फिर से दो पार्ट डिवाइड करेंगे, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। तो ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, राइट। तो अब यहां पर हम बात करें लीनियर,
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या? सिक्वेंशियल, मतलब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पर आप ये देखेंगे कि आपका जो भी डेटा मेमोरी में सेव हो रहा है दिस वन। यहां पर अगर हम बात करें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट में कॉमन क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये बोलता है दिस वन। यदि हम लीनियर की बात करें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जहां पर आपको यह पता है कि डेटा स्टोरेज की स्टार्टिंग कहां से हो रही है और वो एंडिंग कहां पे होगा। जैसे अगर आपने अरे पढ़ा है तो हमें पता है अरे का पहला एलिमेंट ए ऑफ जीरो पे स्टोर्ड होता है और लास्ट एलिमेंट एन माइनस वन पे स्टोर्ड होगा। कि अगर मैंने एन नंबर ऑफ एलिमेंट लिए हैं अरे में तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट जीरो पे होगा, लास्ट एलिमेंट एन माइनस वन पे होगा। एंड दिस इज व्हाट द सीक्वेंस। हमेशा ध्यान रखो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या? अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर फिक्स्ड। जहां मुझे पता है कि बॉस यहां से मेरा डेटा स्टोर होना शुरू हुआ है और यहां तक मेरा डेटा स्टोर हो रहा है। सो सच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर लीनियरिटी इज मेंटेन्ड, जहां सीक्वेंस है, जहां मुझे पता है कि मेरा डेटा की स्टार्टिंग एंडिंग कहां पर है, सो दैट इज कॉल्ड ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और ये हमने पढ़ा अरे। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की भी जब हम बात करते हैं तो यहां भी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो भी हम आगे बात करते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, लीनियर नॉन लीनियर दोनों फॉर्मेट में होते हैं। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टैटिक भी हो सकता है और वो डायनेमिक भी हो सकता है। एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टैटिक भी हो सकता है, वो डायनेमिक भी हो सकता है। स्टैटिक और डायनेमिक जो है वो लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के तरीके हैं। लेकिन उसके पहले हम ये तो बात करें लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो लीनियर मतलब डेटा स्ट्रक्चर विच इज अ सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर हमें पता है कि हमारा डेटा यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पर जाके एंड होगा। अब इसमें भी वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन। अरे, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, पढ़ा हमने। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप। तो अरे इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अरे इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैक। अब यहां पर आप सुनना, स्टैक जो है वो स्टैटिक डायनेमिक दोनों हो सकता है, लेकिन है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या है हम बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे। नो डाउट ये एक एक टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में हम ये बात करते हैं कि इस पूरे पेपर में हमें पढ़ना क्या है, डेटा को स्टोर करने के कितने तरीके हैं और इन कॉन्सेप्ट को कहां कहां इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब जैसे हमने बात करी स्टैक, स्टैक क्या है? स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द वन एंड। हम बोलते हैं जब भी आपको लीफो फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है, गो फॉर अ स्टैक कॉन्सेप्ट। ये डेटा स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट है कि जब आपको इस तरीके का डेटा कलेक्शन करना है जहां आपका डेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूल पे वर्क करेगा, ठीक है, तो यहां पर हम स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो स्टैक का हम कहां यूज करेंगे? जहां भी हमें इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना है जो लीफो पे काम करे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सो वील गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड दैट इज एन स्टैक। अब ये दो तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है, स्टैटिक और डायनेमिक, जो भी मैं बात करता हूं, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन आता है, सर आप कहीं मुझे स्टैक का एग्जांपल बता सकते हैं? तो देखिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल तो 1000 है, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करता है टेक्निकल एग्जांपल। जैसे स्टैक का रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो सकता है बिस्किट का पैकेट, स्टैक का रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो सकता है प्लेट्स अरेंज्ड इन द स्टैक फॉर्मेट, कि जो सबसे लास्ट में रखी गई है वही सबसे पहले पिक की जाती है। तो ये तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, ओके, तो समझने के लिए बेटर है। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए, ओके सर टेल मी वेयर स्टैक इज इंप्लीमेंटेड, एक्चुअली लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट हमें कहां मिलता है, तो यदि हमने सी पढ़ा है तो फंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक, रिकर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। सिमिलरली यदि आप सी में, यदि मैं सी में क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इंटीजर ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 90, और यदि मान लो मैंने यहां लिख दिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी, व्हाट इज द आउटपुट? तो यदि इस प्रोग्राम को आप रन करते हैं सो हियर वी विल गेट द आउटपुट 90। अब 90 क्यों? जो सी में जब वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो स्टैक फॉर्म में करते हैं। एक्चुअली सी के वेरिएबल इस तरीके से मेमोरी एलोकेट करते हैं, ये ए वैल्यू इज 100, ये बी वैल्यू इज 20, ये सी वैल्यू इज 90। यदि मैं यहां परसेंटेज डी के साथ में लिखता हूं बी, तो बाकायदा वो बी की वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो यहां पर रूल अप्लाई हो गया स्टैक का, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे लास्ट में कौन इंसर्ट पुश हुआ 90, वही सबसे पहले पॉप हो गया। मतलब स्टैक में जनरली हम पुश पॉप की बात करते हैं। तो
कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बॉस देयर इज अ वे जहां पर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं लीफो के फॉर्मेट में, एंड दैट इज एन स्टैक इंप्लीमेंटेशन। समझना बच्चे, समझने की कोशिश करो। इस पूरे पेपर में पढ़ क्या रहे हम, इस पूरे पेपर में हम ये पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ स्टोरेज ऑफ अ डेटा, कि एक डेटा का मेमोरी में क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। डेटा प्रिमिटिव फॉर्म में सेव हो सकता है, इंडिविजुअल डेटा, लेकिन यहां पर डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन वेरी रेयरली हो रहा है, राइट। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कब शुरू होता है, जब बल्क ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की हम बात करते हैं, और वहां पर फिर हम सिक्वेंशियल या नॉन सिक्वेंशियल की बात करते हैं। तो एक तरीका है अरे, लेकिन अरे किसी रूल को यूज नहीं करता है, अरे पे कोई रूल अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट स्टैक, स्टैक का रूल है कलेक्शन ऑफ द डेटा, बट एप्लीकेशन इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ही देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्यू। क्यू क्या बोलता है, क्यू बोलता है बॉस यदि आप चाहते हैं कि डेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्मेट में स्टोर करना है, देन यू शुड गो फॉर क्यू कॉन्सेप्ट। क्यू मतलब जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी नीड टू स्टोर, विच वी नीड टू स्टोर द डेटा। ओके, तो यदि आपको लगता है कि यदि आपके पास एक ऐसा डेटा है जिसको आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्मेट में स्टोर करना है, सो हियर इन डेटा स्ट्रक्चर वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्यू, कि हमारे पास क्यू का कॉन्सेप्ट है। विद द हेल्प ऑफ क्यू वी कैन स्टोर द डेटा विद दिस इंप्लीमेंटेशन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो समझ बच्चे, समझो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत शानदार पेपर है। तरीके हैं आपके पास डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के, ताकि आपका डेटा इफिशियंटली स्टोर्ड हो, ताकि आपका डेटा लेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डेटा रिट्राइव हो, ताकि आपका डेटा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, इफिशियंट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी लेस होना चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होना चाहिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होना चाहिए। विद ऑल दिस कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा की, और वह ये पेपर हमें यही सिखाता है। देयर इज अ डिफरेंट वे। अभी जैसे मैंने आपको बताया क्यू, क्यू इज अ कॉन्सेप्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यदि आपको लगता है कि आपको आपका डेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्मेट में स्टोर करना है, गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू। यदि आपको लगता है लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट में स्टोर करना है, गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। और ये सारे इंप्लीमेंटेशन अभी हम आगे कोर्स में देखने वाले हैं कि स्टैक किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, क्यू किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, राइट। और ये सारे कॉन्सेप्ट है ना, बार बार मैं जो आपसे बोल रहा हूं, रिमेंबर ऑलवेज दीज आर द कॉन्सेप्ट, ठीक। देन वी हैव अ लिंक लिस्ट, कि यदि आपको लीनियर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है डायनेमिक में, देन वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड लिंक लिस्ट हियर। ओके, तो अभी मैं जब स्टैटिक और डायनेमिक में आऊंगा तो आई विल शो यू दैट कि लिंक लिस्ट और अरे में क्या डिफरेंस है। ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, बट लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक स्टैटिक फॉर्म में, एक डायनेमिक फॉर्म में, ठीक। लेकिन उसके पहले एक बार थोड़ा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर ले। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आएगा, जहां पर आपके डेटा सीक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर हो रहे हैं, जहां सीक्वेंस ऑफ डेटा है, जहां आपको स्टार्टिंग एंडिंग पता है। बट व्हेन योर डेटा स्टोर्ड, देखो हम डेटा स्ट्रक्चर की बार बार डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, दिस पेपर शोज दैट हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। एक डेटा जब मेमोरी में सेव होगा, जब बल्क अमाउंट ऑफ डेटा मेमोरी में सेव करोगे, तो क्या वो डेटा आपस में रिलेशन फॉर्मेट में स्टोर्ड है, तो वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, रिलेशन दोनों में होगा। लेकिन नॉन लीनियर मतलब क्या, नॉन सिक्वेंशियल, जहां पर आपको ये तो पता होगा कि आपका डेटा शुरू कहां से हो रहा है, बट एंडिंग वी नेवर नो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बोलते हैं ट्री, पढ़ेंगे इसको, ट्री के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ट्री हम देखेंगे, राइट। यदि मान लो मैं यहां पर बात करता हूं, ये मेरा डेटा सेव है ना, सपोज दिस इज अ डेटा, 50 है, 30 है, 75 है, फिर हमने 75 में 70 ले लिया, यहां पर मान लो मैंने 90 ले लिया, देन दिस इज 32 हमने ले लिया, दिस इज 25 ले लिया। तो यदि ये मेरा ट्री स्ट्रक्चर है, सपोज ये मैंने डेटा को स्टोर किया है ट्री फॉर्मेट में, तो यहां मुझे ये तो पता है कि ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज माय स्टार्टिंग। लेकिन एंडिंग कहां पर हो रही है, एंडिंग मेरी ये भी हो रही है, एंडिंग मेरी ये भी हो रही है, एंडिंग मेरी ये भी हो रही है, दिस इज ऑल्सो एन एंडिंग। This means, but relation is always there. आप देख रहे हैं, relation है, लेकिन relation non-sequential format में। This relation is a non-sequential format. तो जब ऐसे data structure की हम बात करते हैं, जहां data तो memory में save हो रहा है, but relation भी है, but that relation is not in sequential format, जहां हमें starting पता है, but we don't know where the end. कि आपकी application end कहां होगी? लेकिन जब हम stack की बात करते हैं, जब हम क्यू की बात करते हैं, तो वहां पर हमें यह पता होता है कि बॉस स्टार्टिंग यहां से होगी, एंडिंग ये है। सिमिलरली यदि हम बात करें
ग्राफ, ग्राफ इज अनदर एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस के लिए हम पढ़ने वाले हैं आगे, कि व्हेनेवर वी वांट टू शो द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जैसे गूगल मैप, गूगल मैप यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर फॉर एन इंप्लीमेंटेशन। गूगल मैप क्या है एक्चुअली? दिस इज अ ग्राफ। और ग्राफ क्या शो करता है? ग्राफ शो करता है मिनिमम स्पेस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द टू ऑब्जेक्ट, कि यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में मल्टीपल वेज हैं, सो विच इज द मिनिमम डिस्टेंस यू नीड टू कवर, कि कितनी मिनिमम डिस्टेंस पे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, दैट शोज द ग्राफ कॉन्सेप्ट। तो इस ग्राफ में हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। क्या हमें यह तो पता है कि ग्राफ हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बताएगा, मिनिमम डिस्टेंस बताएगा, लेकिन कितने तरीके से? तो देयर इज अ क्रूशकल एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, प्रिम्स एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं जो आपको डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करेंगे, कि यदि आपको ग्राफ इंप्लीमेंटेशन करना है देन गो फॉर द डिफरेंट एल्गोरिथम। लेकिन अगेन अ ग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर सीक्वेंस नहीं होगी, इट इज अ नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, हैश टेबल, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हैशिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू सर्च द एलिमेंट, कि जब आपके पास डेटा कलेक्टिव फॉर्मेट में है तो वन ऑफ द फास्टेस्ट वे, अगेन आई एम रिपीटिंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू सर्च द डेटा फ्रॉम अ कलेक्शन इज एन हैशिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन हैशिंग अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट में आपको एक कॉमन बात क्या समझ में आई? अरे, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी। डेटा को मेमोरी में सेव करने का तरीका है स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, लिंक्ड लिस्ट, हैश टेबल। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट हैं जो आपको डेटा को स्टोर करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज बता रहे हैं, और यही मैं शुरुआत से बात कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी। दिस पेपर इज टेल अबाउट दिस, कि पेपर हमें यही बता रहा है कि कितने तरीके से डेटा मेमोरी में सेव हो सकता है, राइट? देन वी विल टॉक अबाउट कि यदि हम डेटा स्ट्रक्चर को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करें, सो हम ये बोलते हैं, वन इज कॉल्ड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज कॉल्ड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। एक है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इन इंटरव्यू अगेन, और डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के हम एग्जांपल देते हैं, अरे, अरे इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, व्हाइल लिंक्ड लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग अरे। अब यहां पर आप सुनना ध्यान से कि डेटा स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस पूरे पेपर में जितने भी इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे वो दो तरीके से देखेंगे, यूजिंग अरे, यूजिंग लिंक लिस्ट। मतलब जब भी हम किसी कलेक्टिव डेटा को देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, इसका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है? मतलब बैकग्राउंड में ये जो डेटा स्टोर्ड हुआ है ये किस फॉर्मेट में स्टोर्ड हुआ है? कई बार ये क्वेश्चन आप जावा पाइथन में सुनोगे, क्योंकि वहां पर जब आप कलेक्शन पढ़ोगे तो कलेक्शन में आपको ये सीखना पड़ेगा कि जब भी कोई डेटा कलेक्ट हो रहा है तो वहां पर बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है। और आप बिलीव मी, डेटा स्ट्रक्चर जावा पाइथन ने अपने जो कलेक्शन मॉड्यूल्स हैं, जो कलेक्शंस मॉड्यूल्स हैं, वो सारे डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से ही इंप्लीमेंट करे हैं। दिस ऑल कॉन्सेप्ट आर इंप्लीमेंटेड इन फ्यूचर लैंग्वेजेस, यदि आप बात करें, ओके। लेकिन जब भी कोई डेटा कलेक्टिव फॉर्मेट में स्टोर होता है तो वहां सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है। अगर बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो अगर बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर मैं एग्जांपल लाता हूं, ओके, तो फिर इसका मतलब है वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, और अगर बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक्ड लिस्ट है, इसका मतलब है वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन ये, सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पर आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यदि आप अरे की बात करें तो हमने पढ़ा है अरे कि जब भी हम अरे डिक्लेयर करते हैं ये अरे हमेशा फिक्स साइज का होता है, राइट? लेकिन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब अ डेटा स्ट्रक्चर वो अलोकेट्स द मेमोरी एट रन टाइम। ठीक है, जैसे आप देखो, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि यदि मान लो मैं एक अरे को डिक्लेयर करता हूं, यदि मैंने एक अरे डिक्लेयर किया, पहले आप स्टैटिक और डायनेमिक कॉन्सेप्ट को समझो, तो मुझे पता है ये जो अरे है ये अरे मेमोरी एलोकेट करेगा कंपाइलेशन टाइम पे। अरे का मेमोरी एलोकेशन हमेशा कंपाइलेशन टाइम पे होता है, राइट? और इसीलिए जो डेटा कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है वो हमेशा फिक्स साइज का होता है। तो यदि ये अरे मैंने डिक्लेयर किया तो आई नो दैट कि इस अरे में जो मैक्सिमम डेटा स्टोर्ड होगा वो 10 होगा ना, मैं 10 से ज्यादा स्टोर कर सकता हूं, और अगर 10 से कम किया तो मेमोरी वेस्ट हो जाएगी।
तो ऐसे कॉन्सेप्ट मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है अरे। लेकिन हमें अरे के ड्रॉबैक समझ में आ रहे, और ये स्टैटिक क्यों है? क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी पे काम कर रहा है, ये कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है। तो जो डेटा कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिसकी साइज फिक्स्ड होती है, ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। और ये जो अरे है ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। लेकिन यदि मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि बॉस ठीक है अरे है और डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन क्यों है, क्योंकि रिलेशन है ना, लेकिन फिक्स्ड है 0 से लेकर 9 तक। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि मुझे मेमोरी में डेटा स्टोर करना है, लेकिन ये डेटा मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होगा, मैंने अपनी खुद की स्पेस क्रिएट करी। अब सुनना ध्यान से, अरे मुझे पहले से क्रिएट करके रखना पड़ता है, इसीलिए वो फिक्स साइज का होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं आपसे कि रादर देन मैं इस अरे को पहले से क्रिएट करके रखूं, मैं ये करता हूं रन टाइम पे, जब मेरे को मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट है, रन टाइम पे हमने हमारी एक स्पेस क्रिएट की, डेटा स्टोर कर दिया, फिर डेटा आया, स्पेस क्रिएट की, डेटा स्टोर कर दिया, फिर डेटा आया, स्पेस क्रिएट की, डेटा स्टोर कर दिया, स्पेस क्रिएट की, डेटा स्टोर कर दिया। और ये जो स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली इसको टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं नोड क्रिएट कर रहे हैं, नोड। तो ये हमने क्या किया, ये हमने नोड क्रिएट किया, डेटा स्टोर किया, नोड क्रिएट किया, डेटा स्टोर किया। नोड इज नथिंग बट द स्पेस जो हम किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए क्रिएट करते हैं। लेकिन ये सब रन टाइम पे चल रहा है, ये कंपाइलेशन टाइम पे था, ये फिक्स था, ये स्टैटिक था। लेकिन ये बात हो रही है रन टाइम की, कि मैं रन टाइम पे जैसे ही मेरा डेटा आया, मैंने स्पेस क्रिएट की, डेटा स्टोर कर दिया, स्पेस क्रिएट की, और एट द एंड इन सारी स्पेसेस को, मतलब इन सारे नोड को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये डेटा स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा, सुन जरा ध्यान से, ये स्टैटिक था जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा पे काम कर रहा है, ये डायनेमिक क्यों है? क्योंकि यहां पर हम रन टाइम पे जैसे जैसे डेटा हमारे पास आ रहा है, हम वैसे वैसे स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात, आप सोचो कि यदि इफिशियंसी की बात की जाए तो डायनेमिक इज मच बेटर देन स्टैटिक, क्योंकि यह मेमोरी वेस्टेज हो रही है, मेमोरी अगर ओवरफ्लो हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहां पर क्या हो रहा है, जितना डेटा आप यूज कर रहे हैं उतना ही अलोकेट हो रहा है। और दोनों में एक डिफरेंस ये भी है कि यहां पर मैं रन टाइम पे मेमोरी से डेटा डिलीट भी कर सकता हूं, जो कि अरे में पॉसिबल नहीं है। अरे में आप एक बार अरे बन गया तो ना उसमें डेटा इंसर्ट होगा ना डिलीट होगा, लेकिन ये पूरा काम जो रन टाइम पे हो रहा है, यहां अलोकेशन डी एलोकेशन सब कुछ हमारे हाथ में है। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट से डेटा इंप्लीमेंट करते हैं, जब हम इस कॉन्सेप्ट से डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं, जहां पर डेटा रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहा है, जहां इंसर्शन डिलीशन क्रिएशन सब कुछ रन टाइम पे होगा बच्चे, तो इसी डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के लिए ये जो मैंने अभी क्रिएट की है, इसको क्या बोलते हैं, लिंक लिस्ट। दिस इज द लिंक लिस्ट, कि आपने नोट बनाया डेटा रखा, नोट बनाया डेटा रखा, नोट बनाया डेटा रखा। तो इसका एडवांटेज यह है कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतने नोड इंप्लीमेंट करो, जब रिक्वायरमेंट नहीं है डिलीशन इंप्लीमेंटेशन, क्या आप अपने नोड को मेमोरी से डिलीट कर दो, क्योंकि जब ये डिलीट होगा तो ये मेमोरी से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, जो कि यहां पॉसिबल नहीं है अरे इंप्लीमेंटेशन के साथ। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास दो चॉइस होगी, कि हम बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे रखें या बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट रखें। यदि आप बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे रखेंगे तो यू ऑलवेज फेस ओवरफ्लो प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लो मैंने आपको बोला कि चलो हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो आपने स्टैक पढ़ा पहले, तो मैंने आपको क्या बोला, ये पूरा पेपर बच्चे कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो यदि मान लो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया स्टैक, कि स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट, पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, अभी मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं। स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट जो लीफो पे काम करता है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन अब बात आई, सर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो यहां पर आपके पास स्टैक इंप्लीमेंटेशन के दो ऑप्शन है। आपको यह भी बताया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यह भी हमने पढ़ लिया। तो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, आपके पास दो ऑप्शन है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग अरे या स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम स्टैक को अरे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या हम स्टैक को लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यदि मैंने स्टैक इंप्लीमेंटेशन किया है यूजिंग अरे, सो दैट इज एन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर ओवरफ्लो होगा, पढ़ेंगे हम स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन। लेकिन अगर बच्चे उसी स्टैक को मैं इंप्लीमेंट करता हूं लिंक्ड लिस्ट बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर के साथ, तो ये कहलाएगा स्टैक लिंक्ड लिस्ट, और यहां कभी ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जब मेमोरी से डेटा रिलीज होगा, डिलीट होगा, जिसको हम स्टैक के टर्म में बोलते हैं, पॉप होगा, तो वो परमानेंटली पॉप्ड होगा। यहां परमानेंटली नहीं होता है। तो स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, हर कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम उसको दो तरीके से इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, दो तरीके से इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। हर कॉन्सेप्ट को हम अरे से इंप्लीमेंट करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को हम लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट करेंगे। तो यदि मैं आपको स्टेप वन पे, मतलब हम डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टेप वन पे जो हम डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो होगा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर हम स्टैक देखेंगे, हम क्यू देखेंगे, हम सर्कुलर क्यू देखेंगे, हम डी क्यू देखेंगे, हम प्रायोरिटी क्यू देखेंगे, हम मल्टीपल स्टैक देखेंगे। लेकिन उन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए हम बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, अरे। और आप देख रहे हैं इन सब में कॉमन एक चीज मिलेगी आपको, ओवरफ्लो। तो ये होगा हमारा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग अरे। लेकिन द डे वी लर्न लिंक लिस्ट, जिस दिन हम लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे उस दिन हम ये सीख जाएंगे कि रन टाइम मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, डायनेमिक मेमोरी किस तरीके से एलोकेट होती है। क्योंकि डायनेमिक मेमोरी इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता किस तरीके से। तो यदि आपने लिंक लिस्ट पढ़ ली तो आपको यह समझ में आ गया कि अब मेरा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर डायनेमिक हो सकता है। तब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को स्टैक, क्यू, सर्कुलर क्यू, ट्री, ग्राफ, ठीक है, मल्टीपल स्टैक, इन सबको इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट। तो स्टैक यूजिंग अरे, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, क्यू यूजिंग अरे, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, डिफरेंस समझ में आया, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन करते हैं, सो एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो नॉन लीनियर हो, ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ पा रहे हैं कि बॉस क्या करने वाले हैं हम इस पेपर में आगे, इस पेपर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हमने देखे। ओके, मीनवाइल हम और भी डिफरेंट, हम कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस की बात करेंगे कि एड्रेस कैलकुलेशन क्या होते हैं, हम इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन की बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि बॉस एक एक्सप्रेशन किस तरीके से स्टैक से सॉल्व होता है, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम यहां पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं इस पेपर में। नॉट ओनली द इंप्लीमेंटेशन, ओके, लेकिन हम यहां पर यह भी देखने वाले हैं कि हाउ दिस कॉन्सेप्ट आर इंप्लीमेंटेड इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, कि जब स्टैक इंप्लीमेंटेशन होगा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो किस तरीके से होगा। लेकिन अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि यह तो समझ में आ गया सर कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट, है ना, इट इज जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेटा स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपने उप्स भी कभी पढ़ा हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट, राइट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ओके, और फिर इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पर हम यूज करते हैं C++ या जावा या C#, व्हाटएवर, जो भी आपकी लाइकिंग लैंग्वेज है। सिमिलरली जब हमने बात करी डेटा स्ट्रक्चर की, सो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ कॉन्सेप्ट, और अब इन कॉन्सेप्ट को अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो यहां पर भी इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के देर आर मल्टीपल वेज, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया स्टैक, अगर मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया क्यू, तो बच्चे मुझे आपको स्टैक का इंप्लीमेंटेशन भी तो बताना है ना, मुझे क्यू का इंप्लीमेंटेशन बताना है, मुझे लिंक्ड लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन बताना है, मुझे ट्री का इंप्लीमेंटेशन बताना है। तो यहां पर इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, बिना लैंग्वेज के मैं इंप्लीमेंट कैसे करूंगा। तो यहां पर हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, वी शुड गो फॉर सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, ठीक है, C#, देर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। तो जब हम डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं तो वहां पर हमें चाहिए एक लैंग्वेज। तो यदि मैं यहां पर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहा हूं यूजिंग सी, तो हम क्या बोलेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। ये मैंने सी को पिक कर लिया। यदि हम डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग C++, तो हम बोलेंगे हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा,
डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी शार्प। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है कि सर इतने सारी लैंग्वेजेस पढ़ना पड़ेगी। नहीं मेरे बच्चे, मेरे राजा, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है और फिर उन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको किसी भी एक लैंग्वेज को चूज करना है और वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जिस लैंग्वेज को यूज करेंगे फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज अ सी लैंग्वेज। हम पूरे डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे सी को यूज करके। रीजन क्या है सर, व्हाई यू चूज सी, व्हाई नॉट जावा? इसके दो रीजन है। सबसे पहला, फास्ट इफिशियंट लैंग्वेज है सी, ठीक है। और दूसरा कि जित डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो मेरा नॉलेज है, जो पिछले 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ये मैं बात कर रहा हूं, द मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज। कि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन समझना है तो जितने बेस्ट तरीके से हम सी में इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाकी लैंग्वेजेस में नहीं कर सकते। रीजन इज दैट इन लैंग्वेजेस में तो डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। जावा में पूरे कलेक्शन है जहां पर उसने स्टैक, लिंक लिस्ट, मैप, सेट सब बना के दे दिया। इवन पाइथन इज हैविंग ह्यूज लाइब्रेरी जहां मुझे इंप्लीमेंटेशन कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। सो द बेस्ट लैंग्वेज इज इधर यू शुड गो फॉर सी और सी प्लस प्लस। तो यहां पर हम जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं वो सी है। और दूसरा रीजन कि जब डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन इंटरव्यू में पूछा जाता है, जब डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन को टॉप मोस्ट एमएनसी पूछती हैं, तो उनकी सबसे डिमांडेबल लैंग्वेज होती है सी। दे वॉन्ट द पीपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, एंड दैट्स वाई द रीजन कि हम यहां पर डेटा स्ट्रक्चर को सी के साथ इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो एक बार अगर हम शुरुआत से चले तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है। हमने बात की थी व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, Why data structure? What is data structure? फिर हमने data structure के type की बात की कि primitive क्या होता है, non-primitive क्या होता है, linear data structure, non-linear data structure. Then we'll talk about static data structure, dynamic data structure. ठीक है, फिर हमने बात की static, dynamic data structure के बारे में। तो I hope ये सारा concept आपको समझ में आया होगा, ये introduction lecture आपको समझ में आया होगा कि exactly इस paper में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए इस course में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बड़ा मजा आने वाला है, एट द एंड हम टॉप एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे, एट द एंड हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट में क्या यूज है हम उसकी बात करेंगे कि हाउ द प्रोजेक्ट इज मोर सिंपल एंड मोर रिलायबल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। की यदि आपको अपने प्रोजेक्ट को सिंपल बनाना है, ठीक है, रिलायबल बनाना है, इफिशियंट इंप्लीमेंटेशन करना है, लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इंप्लीमेंट करना है, लेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इंप्लीमेंट करना है, तो किस तरीके से हम इन कॉन्सेप्ट को प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन उसके पहले अभी सफर काफी लंबा है, प्रोजेक्ट का सफर काफी लंबा है, इंटरव्यू का, क्योंकि उसके पहले हमें इस सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, इनके इंप्लीमेंटेशन को समझना है। तो करें ही शुरुआत, बने रहिए इस कोर्स में, ठीक है। और आई होप लेक्चर आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में। करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।